तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसे खिलाड़ी की जो मजबूरी में बन गए क्रिकेटर। बात कर रहे हैं राजस्थान रॉयल्स के खतरनाक लेफ्ट आर्म पेसर की अनोखी कहानी। जी हाँ, ये कहानी है नांद्रे बर्गर की, जो कि साउथ अफ्रीका के लेफ्ट आर्म पेसर हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इनके बारे में। दक्षिण अफ्रीका के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज नांद्रे बर्गर ने खुलासा किया है कि वह कभी क्रिकेटर नहीं बनना चाहते थे, बल्कि स्कॉलरशिप के चक्कर में उन्हें ये करना पड़ा। उन्होंने मजबूरी में इस खेल को चुना था और बाद में उन्हें मज़ा आने लग गया। आइए जानते हैं उनकी क्या मजबूरी थी। लेकिन जानने से पहले ये बात कहना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो बात कर रहे हैं दक्षिण अफ्रीका के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज नांद्रे बर्गर कभी क्रिकेटर बनना नहीं चाहते थे, बल्कि मुफ्त पढ़ाई के लिए उन्होंने इस खेल को चुना था। जी हाँ, नांद्रे बर्गर 2014 में क्रिकेट ट्रायल के जरिए विटवाटसरैंड यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और उन्हें पूरी स्कॉलरशिप भी मिली। उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और खेलते ही खेलते मेहनत रंग लाती है। जब 28 दिसंबर 2023 में उन्हें साउथ अफ्रीका की नेशनल टीम से कॉल मिलता है और बात तब आगे बढ़ती है जब राजस्थान रॉयल्स, जो कि आईपीएल की एक टीम है, उन्हें 50 लाख रुपए में खरीद कर अपने खेमे में शामिल करती है। नांद्रे बर्गर ने पिछले महीने साउथ अफ्रीका T20 में भी जोहानसबर्ग सुपर किंग्स के लिए खेला था। बर्गर ने कहा, अजीब लगता है सोच के जब विट्स उन छात्रों को स्कॉलरशिप दे रहे थे जो क्रिकेट खेलना चाहते थे, लेकिन मैं क्रिकेटर बनना नहीं चाहता था, लेकिन मुफ्त पढ़ाई के लिए हाथ आजमाने में कोई बुराई नहीं थी और क्रिकेट मेरी पढ़ाई के लिए एक बहुत ही मजबूत बैकअप था। बात बनी तब से जब यूनिवर्सिटी के कोच नील लेविनसन ने उनमें एक सक्षम तेज गेंदबाज देखा और उन्हें तेज गेंदबाजी करने को कहा। बर्गर ने कहा, पहले तो मैं हंसा कि 125 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मैं गेंद डालता हूं और 145 पे नहीं डाल सकता। फिर भी मैंने कोच के बातों में हामी भरी और मुझे इसमें मज़ा आने लग गया। अब ये बात हो चुकी है उल्लेखनीय कि साउथ अफ्रीका के लिए 2 टेस्ट में 11 विकेट जबकि 3 वनडे में 5 विकेट ले चुका हूँ। और बात करूँ फर्स्ट क्लास क्रिकेट की, तो मेरे नाम 138 विकेट हैं जबकि लिस्ट ए क्रिकेट में 63 विकेट। और बात करें T20 करियर की, तो 58 मैच खेलते हुए 67 विकेट नांद्रे बर्गर अपनी झोली में डाल चुके हैं। नांद्रे बर्गर को ये नहीं पता था कि उनका सिलेक्शन IPL में हो चुका है। जब शॉन पोलक ने उन्हें पूछा कि मैं बहुत यकीन करता हूँ कि आप बहुत ही उत्साहित होंगे, तो नांद्रे बर्गर को लगा कि वो इसलिए कह रहे होंगे कि नांद्रे बर्गर ने अपना पहला वनडे विकेट ले चुके हैं, इसलिए उन्होंने भी कहा कि ये बहुत ही अच्छा एहसास है। तब शॉन पोलक ने जवाब देते हुए कहा कि नहीं यार, मेरा मतलब IPL से है, तुम राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलने जा रहे हो। उन्होंने आगे कहा कि बधाई हो कर रहा था और इस बात से बेखबर था कि क्या हो रहा है। उसके बाद नांद्रे बर्गर ने खेल के बाद जब अपने फ़ोन को चालू किया तो उन्होंने केवल बधाई हो और बहुत बढ़िया के मैसेजेस पढ़े। नांद्रे बर्गर को ये एहसास नहीं था और उन्हें ये नहीं पता था कि उनका सिलेक्शन IPL में हो गया है। शॉन पोलक द्वारा उन्हें ये पता चला और फिर उसके बाद फ़ोन मैसेजेस से पता चला। तो ये थी नांद्रे बर्गर की कहानी और लाइफ स्टोरी के बारे में। उन्होंने राजस्थान रॉयल्स के लिए अपना डेब्यू भी कर दिया है और ट्रेंट बोल्ट के साथ वो पावर प्ले में गेंदबाजी करते हैं और अच्छी खासी विकेट निकाल चुके हैं। उनके पास 2 मैचों में 3 विकेटें हो चुकी हैं और संजू सैमसन की अगुवाई वाली टीम में वो अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं एज एन इम्पैक्ट प्लेयर। नांद्रे बर्गर आज भी अपने चाइल्डहुड कोच और यूनिवर्सिटी कोच नील लेविनसन के सराहनीय करते हैं। वो कहते हैं, अगर उस दिन उन्होंने नहीं कहा होता तो आज मैं यहाँ नहीं होता। तो दोस्तों ये थी क्रिकेटर नांद्रे बर्गर की लाइफ स्टोरी के बारे में, जब मजबूरी से वो बन गए लेफ्ट आर्म पेसर और आज वो काफ़ी सक्सेस भी हो चुके हैं। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें और हमें ग्रो करने में मदद करिए। और ऐसी और क्रिकेटिंग इन्फॉर्मेशन के लिए इस चैनल के साथ जुड़े रहिए।